आयुष्मान भाव, भगवान सदैव आप दोनों को सुखी रखे। अच्छा आप आइए हमारे साथ। क्या क्या सामान ले जाना है आपको चित्तौड़, हमें बता दीजिए, हम रखवा देते। हम भी चलते हैं आपके साथ, आपकी सहायता करने। हाँ, हम भी चलेंगे। चलिए चलिए, हम भी आते हैं। लगता है इन लोगों को हमारे बिजोली आने की सूचना पहले से ही मिल चुकी है। अब हमें अपना पहला मंसूबा तर्क कर दूसरा मंसूबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बड़ी ही हिफाजत को भेद कर नहीं पहुंच सकते हम प्रताप तक। तो फिर तो जाओ पता लगाओ कि आखिर वहां चल क्या रहा है। भौजीराज, वैसे अभी अभी मन में एक विचार कौन था, क्यों ना आप और अजब देव भाई साहब बिजोले के हटमंडी होकर आए, इससे आप दोनों को एक साथ रहने का सुख भी मिल जाएगा। नवशिराज, समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे। अब नवविवाहित को ऐसे ही अपने लिए समय चुराना पड़ता है, अब सभी को ऐसे ही करना पड़ता है। निश्चित रूप से यह विचार सौभाग्यवती का होना चाहिए। अब इससे अंतर क्या पड़ता है भौजीराज, ये बताइए विचार कैसा है? वैसे विचार बुरा नहीं है हाटमंडी जाने का। बाऊजीराज, आपको इसी समय चित्तौड़ के लिए निकलना होगा। अभी सरदार, हमारी खबर सही निकली, प्रताप को बाहिफाजत बिजौलिया से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। तो हम भी उनके निकलते ही हमला बोल देंगे। आप सभी हर पल सतर्क रहना, और कोई भी ऐसी संशयात्मक चीज दिखे तो हमें तुरंत सूचित कीजिएगा। ठीक, बहुत अच्छे पत्ता। इन अन्य सैनिकों को भी आप मौजीराज प्रताप और अजब दे के साथ कर दें। हथियारों को हम कोई भी अवसर नहीं देना चाहते। मैं कोई आपत्ति नहीं है रावत जी, अभी तो हमें तो अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हम अपने जीजा और कुवरसा की सुरक्षा हेतु उन्हें चित्तौड़ भेज रहे हैं। क्या अर्थात दादा भाई को इस बार भी सैनिकों की पूरी बारात के साथ जाना पड़ेगा चित्तौड़? अजय भाभी जी के साथ दो घड़ी बात करने का अवसर भी नहीं मिलेगा उन्हें। पंडित जी, आपसे एक काम बताया था और वो काम भी नहीं कर पाया, बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे आप। बिना बात हमें सबके सामने झिड़क देते हो। आपके कहते हमने बाऊजीराज से अवसर निकालकर बात की, उन्हें अपने गांव के हाट मेले में घूमने का सुझाव भी दिया और उन्हें हमारा सुझाव पसंद भी आया। तो रावत जी काका से क्यों नहीं बनाया कोई बहाना, बोल देते कि कुंवर प्रताप नहीं जा सकते इतने सैनिकों के साथ अकेले चित्तौड़। उन्हें कोई बहाना बनाकर भेज देते ना अकेले चित्तौड़, कह देते कि कुंवर प्रताप नहीं निकल पाएंगे, आप चले जाइए अकेले। आप ही चले जाइए, चुंडावत सरदार है वे, चुंडावत सरदार। राणा जी तक उनकी बात नहीं टाल सकते, हम कौन से खेत की मूली है। बात करती है। उचित कहा आपने, हमारे पास एक और कमाल की योजना है। हाँ बताइए। पंडित जी, अब इस नई वाली योजना में आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। आप भी जब तक प्रताप का काफिला महल से रवाना नहीं हो जाता, हमें उस पर सख्त नजर रखनी है, क्योंकि जब वो इतने पुख्ता हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं तो क्या पता उनके काफिले से हमें कोई हैरानी करने वाली बात मिल जाए।
क्या आप मेवाड़ के राजकुमार बनना चाहते हैं? भावजीराज बस एक दिन के लिए, इतनी सी अर्ज मान लीजिए ना, पंडित प्रसन्न हो जाएंगे। क्या आप मेवाड़ की कुंवर रानी बनना चाहती है? हाँ जबदे, बस केवल एक दिन के लिए। आपको लगता है हम इस योग्य नहीं है ना? नहीं सौभाग्यवती, आप तो हमारी सबसे प्रिय सखी है ना। आपने हमारे हर दुख में हमारा साथ दिया है, तो फिर आप इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी मित्रता पे प्रश्न चिन्ह तो मत लगाइए। तो बस ठीक है, आज से चित्तौड़ तक पहुँचने के लिए हम होंगी मेवाड़ की कुंवरानी, ठीक है? बावजीराज आप तो ऐसे घबरा गए जैसे हम आपसे मेवाड़ का राज सिंहासन मांग रहे। मांग कर तो देखिए चक्रपाणि मिश्र, वो भी आपका हो जाएगा। नहीं बावजीराज, मतलब आप तो, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, परंतु ये बात आप बाहर किसी से मत कहिएगा। चक्रपाणि मिश्र, आप हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, इसलिए हमने आपसे कहा, अन्यथा किसी और को तो हम मेवाड़ की धरती का एक कण भी नहीं देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन के लिए हम राजकुमार की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक? अवश्य। ये रहे आपके बस, इन्हें पहनेंगी आप। परंतु सौभाग्यवती आप ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि हम चाहते हैं आप और कुंवर प्रताप कम से कम कुछ समय इन सुरक्षा घेरों और सेवक सेविकाओं की भीड़ से अलग अकेले में व्यतीत करें, किसी भी साधारण विवाहित जोड़ी की भांति। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप दोनों किसी साधारण नागरिक की भांति भेष बदल के बाहर निकले, ताकि ना कोई आपको देख पाए, ना जान पाए और ना ही आप पर ध्यान दे पाए। इसीलिए विचार तो उत्तम आपका पंडित जी, पर अवश्य ये विचार आपको नहीं सूझा है और ना ही ये विचार सौभाग्यवती का प्रतीत होता है। फिर बताइए ना, किसकी सोच है ये? बोलिए बोलिए। भावजीराज आप क्या आपकी बहनों को कम समझते हैं? बहुत ही समझदार है वो, ऐसे ऐसे विचारों की खान है वो दोनों। अम्मा गाड़ी हुकुम, रावत जी चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करें। अरे बाप रे, अब मर गए, हम तो आपको पंडित जी बना देंगे, हम कुंवर प्रताप कब बनेंगे? चल से चल करना पड़ेगा। हमारी बहनें भी इतनी अधिक नटखट हो चुकी हैं, चित्तौड़ पहुंच के उन्हें कान खींचने ही पड़ेंगे। अच्छा थे। देखा, नहीं बनी बात। क्यों, क्या हुआ? आपने तो हमें इस बदले हुए भेस के उपरांत भी पहचान लिया, इसका मतलब ये बदला हुआ भेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कितना हंसेंगे रावत जी और माँ, हम अभी अपने वस्त्र बदल कर आते हैं। आपने भी तो हमें इस बदले भेस के उपरांत भी पहचान लिया ना, फिर? आपको तो हम कभी भी पहचान सकते हैं, भले आप कितने भी भेस बदल ले। हम भी आपको कहीं भी पहचान सकते हैं, किसी भेस में, कभी भी। चलिए चलिए, नहीं तो हमारे मित्रों और बहनों को दुख होगा। रूपमती को फूलों की माला के लिए कहा था, जाने कहां रह गई? आप घबरा क्यों रही हैं? चलिए, आप कभी कभी इतना घबरा क्यों जाती हैं? आप है ना हमारी उत्कंठा को शांत करने के लिए। मैं ही तो हूँ पास तुम्हारे, मैं ही तो हूँ साथ तुम्हारे, मैं ही तो हूँ। देखो अजब देखा, कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, सारा सामान ठीक से रखवा देना, समझ गई? चलिए। आप दोनों
देखिए गौने का सारा सामान रखवा दिया गया है या नहीं। जी। जब हमें ऐसे बदले हुए भेस में इतनी समस्या हो रही है तो फिर सौभाग्यवती और चक्रपाणि को कितनी समस्या हो रही होगी। आप हमारी बहनों को कम मत समझिए, ऐसे ऐसे विचारों की खान है वे। चलिए। बाईजीलाल की जय। 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 बाईजीलाल की अंबकड़ी। बाईजीलाल की जय। 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 केवल सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, खम्मागने का उत्तर देना पड़ेगा। खम्मागने घनी घनी खम्मा। चलो नीचे तक। बस केवल आज आज बिठा लो इन्हें अपनी पीठ पे, फिर कभी दादा भाई की अतिरिक्त किसी और को बिठाने के लिए नहीं बोलेंगे। मान जाइए चेतक, ये भी उनके मित्र हैं। चेतक मान जाइए। हाँ चेतक। चेतक मान जाइए। रावत जी पधार रहे हैं। हाँ। हे भगवान, इस अड़ियल चेतक के कारण पूरी योजना पे पानी फिर जाएगा। चल चेतक। ऐसे ही हमारा काफिला चित्तौड़ की सीमा में प्रवेश करेगा, हम तत्काल अपने सैनिकों से कहकर चित्तौड़ की सीमाएं बंद करवा देंगे, और यदि उन हत्यारों ने फिर भी हमारी सेना में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो एक लिंग जी की सौगंध हम उनके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। चेता तो दादा भाई की अतिरिक्त किसी को बैठने ही नहीं देगा अपने पेट पे, इसलिए ऐसा करते हैं हम अश्व बदल देते हैं। हाँ वही करते, आप वहां जाकर स्थिति संभालिए, हम दूसरे श्वेत अश्व का प्रबंध कर आपको मार्ग में मिलते हैं, ठीक है। दब से नहीं बैठती रानी, सब कुछ आते हुए आराम से बैठी, जैसे हमने आपको बताया था, सब देख रहे हैं ना आपको। हे भगवान, प्रतिदिन ये सब कैसे करती हैं जब देख। तो पता है कि दादा भाई और भाभी जी को हमने साधारण वेश में यहाँ से भेज दिया है, पर वो गए कहाँ हैं? बिजोलिया का हाट मेला घूमने। घबराइए मत, यहाँ कोई नहीं बिठाएगा आपको। अरे ये बात तो हम जानते हैं ना, तो क्या हम थोड़ा सा भी ना घबराए, जरा भी ध्यान ना रखे। देखा, हमने पहले ही कहा था ना आपसे कि यहाँ पर हमें सब पहचान रहे हैं, यदि ऐसा ना होता तो ये टक्कर खाई हुई स्त्री हमें अवश्य अपने गिरे हुए फल चुनने के लिए कहती। एक खड़े खड़े क्या देख रही हो, अंधी हो क्या, कहेगी महारानी हो। चलो जल्दी से उठाओ, सारे फल गिरा दिए मेरे, जल्दी जल्दी उठाओ, सारे उठाना। पंडित जी जरा चूड़िया दिलवा देंगे हमें, बहुत अच्छी अच्छी चूड़िया मिल रही है यहाँ पर। चूड़िया क्या, आप कहें तो सारा हाट मेला खरीदते। भूलिए मत कि आप एक साधारण ब्राह्मण हैं, कहीं के राजकुमार नहीं, हाट मेला कैसे खरीदेंगे आप, परंतु हाँ चूड़िया अवश्य दिला सकते हैं। आइए। खबर पुख्ता है? हाँ सरदार, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो दोनों पंडित के भेष में गांव के बाजार में गए हैं, और उनकी जगह कोई और गया है चित्तौड़ काफिले में। तो फिर फौरन गांव के बाजार में चलकर अपने दुश्मन का काम तमाम करते हैं। कहाँ गए सब लोग, अभी तो यहीं थे। वे सब चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए हुकुम। चित्तौड़ के लिए रवाना होगा,
किंतु आज तक उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया है। हो सकता है रावत जी की कुंवर प्रताप हमारी जीजा को लेकर शीघ्र अति शीघ्र अपने महल पहुंचना चाह रहे हैं। संभव है, हमें लगता है वे अभी मार्ग में ही होंगे, अधिक दूर नहीं गए होंगे। हम तत्काल निकलें तो उन तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। चेतक के हिनहिनाने की आवाज, पौजीराज बिना चेतक के गए हैं, ये कैसे संभव है? आइए देखें, शीघ्र। वो रहा हमारा शिकार। तुम सब लोग चारों सीमित फैल जाओ, हम सब उस पर इकट्ठा होकर नहीं अलग अलग जगह से वार करेंगे, ताकि कम से कम लोगों को पता चले। जाओ। कैसी लगी ये चूड़ियां? बहुत सुंदर है। तो फिर ले लीजिए पंडित जी। ये भी तो बहुत अच्छी लगेगी पंडिताइन को। मान दीजिए। हम कितनी चूड़ियां ले सकते हैं? इन विगत बिछो के वर्षों में यदि हम आपसे दूर नहीं आपके निकट होते, तो इन वर्षों में जितनी चूड़ियां हम आपके लिए ले पाते अब उतनी चूड़ियां ले सकती हैं। ठीक है, जैसे पंडित जी की आज्ञा। कुछ व्यापारी अजमेर से आने वाले नया माल लेके, बस आते ही होंगे, वो सदा सर्वदा समय पे आ जाते थे, अब अपेक्षा कीजिए। व्यापारी आने वाले हैं अजमेर से? लगभग 10। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चूड़ियां देखिए ना कितनी अच्छी हैं। इतने वर्षों के बाद अजब देखो थोड़ा सुख मिला है, अब इन हथियारों के बारे में बताकर क्यों दुखी करें इन्हें? तो तुम में से 9 तो हमें दिख चुके हैं। पाजीराज कुंवर प्रताप, पाजीराज, पाजीराज, आप अपने चेतक को क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? चक्रपाणी, क्षमा करें, हम क्या करते? चेतक हमें घास ही नहीं डाल रहा था। बावजीराज कहाँ है? बावजीराज, बावजीराज अजबदे भाईसा के साथ हट मिला गए बिजोलिया, और इसीलिए हम उनका वेश धारण करके यहाँ बैठे हैं। आइए, वहां और अच्छी चूड़ियां मिल रही, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है ये चूड़ियां खरीदने आए हैं। इनका स्वाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें, इनको वैद्य जी की आवश्यकता है। हाँ हाँ, इन्हें वैद्य जी के पास ले जाते हैं। ले जाइए। आप चलिए ना, हम अभी आते हैं।